أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب ويا مظلوم ويا شهيد كربلاء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله لآخرة العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الزدار على الحسين. شب غریب آ گیا، مصیبت تو اب شروع ہونے والی، مصیبت کے وہ منازل اب شروع ہونے والے ہیں عزادار. شب غریبہ کے مصائب سے پہلے آپ کو ایک چیز یاد دلانا چاہتا ہوں، وہ منزل یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب ابا عبداللہ الحسین رخصتی کے لیے گئے تھے اور جب ابا عبداللہ جناب زینب کے خیمے میں گئے تھے اور جناب زینب کے خیمے میں آخری رخصتی کے لیے ابا عبداللہ جب تشریف لائے ہیں، تو آپ نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے ابا عبداللہ کی گردن کا بوسہ لیا تھا، اور گردن کا بوسہ لینے کے بعد جناب زینب نے مدینے کی طرف رخ کیا تھا اور کہا تھا، اما آپ کی جو آخری وصیت تھی آج زینب نے پوری کی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ وہ وصیت یقیناً پوری ہو گئی ہے، کیونکہ شمر نے ابا عبداللہ کے گردن پہ خنجر چلائی ہے. لیکن عزاداروں، وہ وصیت جو ابا عبداللہ نے اسی خیمے میں پوری کی تھی جب جناب زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا تھا، وہ وصیت اب پوری ہونے والی ہے، کیونکہ اب زینب کے ہاتھوں میں رسن بندھے، اب زینب اسیر ہو کے جائے گی کوفہ سے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام. عزاداران حسین، شام غریبہ آج اندھیرا چھایا ہوا ہے، سیدانیاں سب اکیلی ہے، اور آج کی شام اندھیرا اس لیے ہے کیونکہ رسول کے سب چراغ آج بجھ گئے ہیں. رسول کے سب چراغ آج بجھ گئے ہیں عزاداروں، اب صرف سجاد باقی رہا ہے. عمر سعد نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ سب لاشوں کو اکٹھا کیا جائے،
इन लईनों ने सब लाशों को इकट्ठा किया। एक मर्तबा उमर साद ने शिमर से कहा, शिमर मैं चाहता हूं कि तुम चंद फौजी को लेके कहो कि वो घोड़ों पे सवार हो जाए। वो फौजी घोड़ों पे सवार हो गए। अब उमर साद ने कहा कि मैं जब हुक्म दूं तब मैं चाहता हूं कि तुम इन लाशों को घोड़े के टापों से पामाल कर लेना। बस ये सुनना था। एक गिरोह आगे बढ़ा और कहा उमर साद को, उमर साद अली अकबर के लाश को हम पामाल नहीं होने देंगे, क्योंकि अली अकबर की मां लैला हमारे कबीले की है। उमर साद ने कहा ठीक है, अली अकबर की लाश को हटा दो। फिर एक गिरोह आगे बढ़ता है, कहता है पिसर साद हम हबीब इब्ने मजाहिर की लाश को पामाल नहीं करने देंगे, क्योंकि हबीब हमारे कबीले का है। उमर इब्ने साद ने कहा ठीक है, हबीब की लाश को हटा दो। फिर एक गिरोह आगे बढ़ता है, कहता है उमर इब्ने साद को पिसर साद हम हुर के करीब कबीले वाले हैं, हमने तुम्हारा साथ यहां तक दिया है, हमारे सरदार की लाश हम पामाल नहीं होने देंगे, हम चाहते हैं कि हम उसकी लाश लेके खुद दफन करके आए। उमर इब्ने साद ने कहा ठीक है, हुर की लाश को भी हटा दो। अजादारो एक एक करके सबकी लाश हटा दी गई। आखिर में करबला में एक लाश बची है। कोई आगे आके ये नहीं कह रहा है कि उमर इब्ने साद हम हुसैन की लाश को नहीं पामाल होने देंगे, ये रसूल का नवासा है। एक मर्तबा उमर इब्ने साद ने हुक्म दिया गोरे के गोरे सवार को हुक्म दिया, अजादारो मशरिक के गोरे मगरिब की तरफ दौड़े, मगरिब के गोरे मशरिक की तरफ दौड़े। अब अब्दुल्ला की लाश गोरों के टापों से पामाल हो गई और बिखर गई। अजादारो अब उमर साद ने हुक्म दिया, शाब गरीब अजादारो दिल से दुआ करना, आज वल्ला आपकी दुआ कबूल होगी, जब आंख से आंसू टपके दिल से दुआ करना, अल्लाह आपकी आज दुआ कबूल करेगा। महफिल अब्बास में बैठे हैं हम, दिल से दुआ करना अजादारो। उमर इब्ने साद ने अब हुक्म दिया अपने फौजी को, कहा अब खैमगाह की तरफ जाओ, खैमगाह की तरफ जाओ और खैमों को आग लगाओ। और फिर उमर साद कहता है कि जितना लूटना है लूटो, जितना लूट सकते हो उतना लूटो। अजादारो ये लईन सैदानियों के खेमों में घुस आए, अब खेमे जला दिए गए। अजादारो सैदानियों के सर से चादर छीनी जा रही है। एक मर्तबा शिमर आगे बढ़ता है, जैनब के पीछे गया, शिमर ने अपने नेजे की नोक से जैनब की चादर को उठा। जैनब की चादर को अपने नेजे की नोक से उठाया है। एक मर्तबा जैनब ने सब बीबियों को इकट्ठा किया, बहुत कोशिश कर रही है कि बीबियों की हिफाजत करे, लेकिन खैमे जल रहे हैं। एक मर्तबा जैनब एक खैमे से दूसरे खैमे में दौड़ रही है, बीबियां साथ साथ दौड़ रही है। जब दूसरा खैमा जलता है तो दूसरे खैमे से तीसरे खेमे में दौड़ रही है, साबीबियां साथ साथ है। अजादारो यहां तक के ज़ैनब आखिरी खेमे में पहुंची है। एक मर्तबा देखा बीमारे करबला बिस्तर पे है, कहा बेटा सज्जाद खेमे जल रहे हैं, सैदानियों के सर पे चादरें नहीं है। सज्जाद बताओ खेमों में जल जाए या खेमों से बाहर
بردہ و مکنہ نکل جائے. ایک مرتبہ سجاد نے کہا پھوپھی اماں خیموں سے خیموں کے باہر نکل جاؤ, جان کا حفاظت کرنا واجب ہے. ایک مرتبہ جب زینب خیمے کے باہر نکلی ہے, زینب نے نہ عباس کو پکارا ہے, زینب نے نہ علی اکبر کو پکارا ہے, زینب نے نہ حسین کو پکارا ہے. ایک مرتبہ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا, کہتی ہے پالنے والے ہائے میرا پردہ, ہائے میری چادر. اور زادارو زینب لٹ گئی. اور زادارو جب خیموں میں آگ لگی تھی تو ایک مرتبہ حمید ابن مسلم لکھتا ہے, حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ ایک چار سال کی بچی ہے, ایک چار سال کی بچی ہے, چار سال کی بچی کے دامن میں آگ لگ گئی تھی. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یہ بچی دوڑ رہی ہے, اس کے دامن میں آگ لگی ہے, میں اس کے پیچھے بھاگا اور میں نے چاہا کہ میں آگ کو بجھا دوں. جب اس کے قریب آیا تو بچی ایک مرتبہ سکینہ مڑ کے دیکھتی ہے, کہتی ہے اے شیخ کیا تو نہیں جانتا کہ میں حسین کی بیٹی ہوں اور نا محرم مجھے چھو بھی نہیں سکتا. یہ کہنا تھا. حمید ابن مسلم کہتا ہے بیٹی میں نے دیکھا کہ تمہارے دامن میں آگ لگی ہے, میں بجھانا چاہتا ہوں. یہ سننا تھا سکینہ نے کہا اے شخص اگر اتنی مہربانی کر رہا ہے تو ایک احسان اور کر دے. وہ کہتا ہے بیٹی کیا چاہتی ہو؟ کہتی ہے سکینہ نے کہا حمید ابن مسلم کو کہ اے شخص مجھے نجف کا راستہ دکھا مجھے نجف کا راستہ دکھا دے. نجف کا راستہ کیوں دیکھنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے کہ میں میرے دادا کو پکارنا چاہتی ہوں, میں اس سے فریاد کرنا چاہتی ہوں. ارے دادا ہم لٹ چکے کربلا میں, میرے چچا کو ان لوگوں نے شہید کر دیا, میرے بابا کو ان لوگوں نے شہید کر دیا. ارے دادا آپ جانتے ہیں کہ شمر نے میرے گوشوار شمر نے میرے گوشوارے کو چھینا, شمر نے میرے گالوں پہ تماچے مارے. عزاداران حسین جب زینب اور ام کلثوم نے دیکھا, ام کلثوم اور زینب نے دیکھا سب بچوں کو اکٹھا کیا ایک جگہ پہ, سب بچوں کو رکھا, اب بچوں کو گننا شروع کیا کہ سب بچے ہیں یا نہیں. زینب نے ایک مرتبہ ام کلثوم سے کہا کہ ام کلثوم ایک بچے کی کمی ہے, ایک بچہ نہیں مل رہا ہے. زینب نے کہا ام کلثوم سے سکینہ نظر نہیں آ رہی, سکینہ پتہ نہیں کہاں ہے. ام کلثوم سے کہا ام کلثوم تم پہرا دو, میں جا کے سکینہ کو ڈھونڈ کے آتی ہوں. عزادار اب جناب زینب مقتل کی طرف نکلی ہے, ایک مرتبہ سکینہ کو آواز دے رہی ہے بیٹی سکینہ کہاں ہو تم, بیٹی سکینہ کہاں ہو تم. ایک مرتبہ ایک لاش کے پاس آتی ہے, دیکھتی ہے کہ سکینہ اس لاش کے سینے پہ سوئی ہوئی ہے. بس یہ دیکھنا تھا. زینب نے پکارا سکینہ چلو میرے ساتھ چلو. جب زینب نے سکینہ کو آواز دی ہے ایک مرتبہ اس لاش سے آواز نکلی بہن زینب ذرا آہستہ بولو, ارے میری بیٹی ابھی میرے سینے پہ سوئی ہے, ابھی سکینہ کو نیند آئی ہے, ذرا آہستہ بولو. عزادارو جناب سکینہ کو زینب واپس لے آئی, اب سب بچے سو رہے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ کچھ بیبیاں آ رہی ہے, کچھ بیبیاں آ رہی ہے. زینب نے کہا یہ کون ہے جو آ رہی ہے؟ ایک مرتبہ جب آگے گئی تو دیکھا کہ حر کی زوجہ پانی لے کے آئی ہے, خور کی زوجہ پانی لے کے آئی ہے. عزاداروں تین دن کے بعد قافلے میں پانی آیا ہے, تین دن کے بعد
तीन दिन के बाद काफिले में पानी आया है। एक मरतबा जब हुर की जौजा आई है तो शहजादी ने हुर की जौजा को कहा कि हुर की जौजा, हम शर्मिंदा हैं कि हमारे पास तुम्हारा मेहमान आया था, हमारे पास मेहमान आया था लेकिन हम कोई मेहमान नवाजी न कर सके। हुर की जौजा ने कहा, शहजादी शर्मिंदा मत कीजिए, थोड़ा सा पानी लेके आई हूँ, अगर हो सके तो बच्चों को पानी पिला देना। अजादारों, जनाबे ज़ैनब ने जब पानी को देखा, अंदर पानी लेके आई, बीवियों ने पानी को देखा, तीन दिन के बाद पानी आया है। एक मर्तबा उम्मे फरवा को कासिम की प्यास याद आ गई। अजादारों, ज़ैनब को अकबर की प्यास याद आ गई। लेकिन सबसे मुश्किल जनाबे रुबाब की में कैफियत है। जनाबे रुबाब ने जब पानी देखा, एक मर्तबा चिल्ला के कहती है, हाय इस पानी के लिए मेरे चश्मा को ज़बह किया गया, इस पानी के लिए मेरे चश्मा को ज़बह किया गया। अज़ादारों, जनाबे ज़ैनब पानी लेके आई। एक मर्तबा सकीना सोई हुई थी, सकीना के पास आके सकीना को उठाया और कहा, बेटी सकीना उठो। सकीना उठी। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, बेटी सकीना उठो, पानी आया है। जब सकीना ने पानी सुना, एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब को कहा, फूफी अम्मा, क्या मेरा चचा वापस क्या मेरा चचा अब्बास वापस आ गया है? ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटी, हुर की ज़ौजा पानी लेके आई है। तो सकीना ने पूछा, फूफी अम्मा, क्या सब बच्चों ने, हुसैन की बेटी है, क्या सब बच्चों ने पानी पी लिया? ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटी, सबसे पहले तुम्हें पानी दिया जा रहा है क्योंकि तू सबसे छोटी है। बस सकीना का यह सुनना था, एक मर्तबा पानी को लिया, मकतल की तरफ दौड़ी। ज़ैनब पीछे गई, बेटी सकीना क्या बात है, कहाँ जा रही हो? सकीना ने कहा, ओ फूफी अम्मा, आप ही ने तो भी कहा था कि सबसे पहले छोटे बच्चे को पानी दिया जाता है। अरे मेरा असगर, मैदान करबला में अभी भी प्यासा। अज़ादारों, अब ज़ैनब पहरा दे रही है, बच्चे सो रहे हैं, अब ज़ैनब पहरा दे रही है। ज़ैनब ने देखा कि एक सवार घोड़े पे बहुत तेजी के साथ आ रहा है। जब देखा कि एक सवार बहुत तेजी के साथ आ रहा है तो ज़ैनब ने आप बुलंद आवाज से उस सवार को कहा कि वहीं पे रुक जा, आगे मत बढ़ना, वहीं पे रुक जा, मेरे बच्चे अभी थके हैं और अभी सोए हैं। लेकिन सवार कुछ नहीं सुन रहा है, वो तेजी के साथ आ रहा है। एक मर्तबा ज़ैनब ने आवाज दी, कहा है सवार, देखो हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है, हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हम पूरी तरह से लुट गए हैं, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन सवार कुछ सुन नहीं रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। अब ज़ैनब को जलाल आ गया। एक मर्तबा जब सवार करीब आया है, घोड़े के लगाम को थामा, अली की बेटी ने घोड़े के लगाम को थामा, सवार को कहा, तुमने सुना नहीं कि मैंने तुम्हें क्या कहा, मैं अली इब्न अबी तालिब की बेटी हूं, बस ये कहना था। सवार ने अपने नकाब को हटाया, एक मर्तबा कहा, ज़ैनब, बाबा को नहीं पहचान, बाबा को नहीं पहचाना। ज़ैनब, मैं बाबा अली हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, बस ये सुनना था। ज़ैनब अली इब्न अबी तालिब के पैर पे गिर गई, कहती है, बाबा, अरे उस वक्त कहाँ थे जब मेरे अकबर के सीने में बरची पैवस्त थी, उस वक्त कहाँ थे जब मेरे अब्बास के दोनों बाजू शहीद हो गए थे, अरे उस वक्त कहाँ थे जब मेरे माजाए हुसैन की गर्दन पे छुरी चली। अज़ादारों,
आयतुल्ला जवादी आमुली कहते हैं आखिरी मसाद पढ़ रहा हूँ, शाम गरीबा के मसाद बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आखिरी मसाद पढ़ रहा हूँ वजादारो। आयतुल्ला जवादी आमुली ये कहते हैं कि ये लूटा हुआ काफिला जब करबला से कूफा जा रहा था तो मक्तल से ये लईनों ने इन काफिले को मक्तल से गुजर के ले जाया गया। मक्तल में जहां सब लाशें थी वहां से ये काफिला गुजरा है ताकि बीवियां सब लाशें देख सके। अल्लाहू अकबर, बीवियां सब लाशें देख सके। आयतुल्ला जवादी आमुली कहते हैं कि जब जैनब इमाम हुसैन की लाश पे आई है, जब जैनब इमाम हुसैन की लाश पे आई है तो एक मर्तबा हुसैन की लाश पे जैनब गिर गई और जैनब ने कहा अंता अखी, क्या तू मेरा भाई हुसैन है। ज़ैनब का अजीब सवाल है, क्या तू मेरा भाई हुसैन है। आयतुल्ला जवादी आमुली कहते हैं कि हुसैन की लाश घोड़ों के टापों से इस तरह पामाल हो चुकी थी कि ज़ैनब पहचान न सकी कि ये हुसैन की लाश है। इसलिए ज़ैनब ने कहा अंताखी, क्या तू मेरा भाई हुसैन है। लेकिन अज़ादारो 20वीं सफर को जब ये काफिला वापस करबला आया है, 20वीं सफर को जब ये काफिला वापस करबला आया है, तब जैनब कब्र हुसैन पे बैठ गई और जैनब कब्र हुसैन पे बैठ के कहती है माँ जाए, जब मैं यजीद के दरबार में गई थी और यजीद ने हमारी तौहीन की थी और यजीद ने फिर लकड़ी को लेकर आपके दंदान मुबारक की तौहीन की थी, तब जैनब की वो हालत हो गई थी कि अगर आप वहां होते तो आप भी जैनब को न पहचान, आप भी जैनब को न पहचानते। असादारान हुसैन, जब ये काफिला लाशे के पासों पास से गुजरा है तो एक मर्तबा बीबियों ने रोना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया और बीबियों ने मातम शुरू किया। जब मातम शुरू हुआ है और रोना शुरू हुआ है, उमर इब्ने साद ने शिमर को बुलाया और कहा शिमर ये मातम बंद होना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि ये मातम हो, ये मातम बंद होना चाहिए। शिमर ने कहा कि कोई मुश्किल नहीं है, मैं अभी मातम बंद किए देता हूं। अज़ादारो, शिमर ने ताजियाने को निकाल शिमर ने ताजियाने को निकाला, इमाम सज्जाद के पुष्ट पर ताजियाने मारने लगा। अज़ादारो, इमाम ताजियाने सह रहा है, एक मर्तबा इमाम ने अबा अब्दुल्लाह के सर को देखा, सर ने इमाम सज्जाद को देखा। मैं नहीं जानता कि बाप और बेटे के बीच क्या कम्युनिकेशन था, क्या बातें हुई, लेकिन दिल कहता है कि सज्जाद अबा अब्दुल्लाह को कह रहे है कि बाबा जब तक जान में जान है मैं ताजियाना खाता रहूंगा, लेकिन बीबियों को ये नहीं कहूंगा कि ये मातम बंद कर दे। अज़ादारो, मातम बंद नहीं हुआ। अब उमर साद शिमर के पास गुस्से में आके कहता है शिमर मैंने कहा था ये मातम बंद होना चाहिए, मातम बंद क्यों नहीं हो रहा है। शिमर कहता है अभी बंद कर देता हूं। अज़ादारो, इस मलऊन ने क्या किया, बीबियों को इकट्ठा किया और सब बीबियों के हाथ पसे पर गर्दन बांधे गए। अब मातम करबला में पहली बार बंद हुआ है।